फिलहाल दोस्तों मैं रेलवे स्टेशन में तो पहुंच चुका हूँ, लेकिन पता नहीं यहाँ टिकट का देखिए अंदर से कहाँ से मिलेगा मुझे, तो देखिए अभी स्टेडियम। फिलहाल दोस्तों मैंने अपनी बैग भाई लोगों की मदद से लॉकर रूम में रख लिया है, तो मुझे पता नहीं था पहले कि यहाँ पर लॉकर रूम भी होता है बैठ के। तो भाई है यूपी से और दूसरे भाई है राजस्थान से, है एमपी से लेकिन रहते वो जयपुर में। तो शाम की ट्रेन है तो अभी इतना भारी सामान लेके कहाँ जाऊँगा करके, तो मैंने अभी वो लॉकर रूम में रखा। तो बाकी स्टेशन में ही हूँ, देख सकते हो आप। बाकी तब तक स्टेडियम। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, मिस्टर गो के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम निकलने वाले हैं मध्य प्रदेश से सीधे देहरादून की ओर। पहले हम जाएंगे दिल्ली, उसके बाद नीरज सर से बात करेंगे, फिर उसके बाद हम सीधे निकलेंगे देहरादून की ओर। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। ट्रेन आ चुका भारी, तो बैठता हूँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भारी बैठना पड़ेगा अभी। तो ये ट्रेन है तो अभी मैं सुपर के जितने भी डब्बे हैं वो आगे लगे हुए हैं, तो वहीं से बैठूँ। तो फिलहाल मुझे ट्रेन चल चुकी है, देख सकते तो दरवाजे के बगल में मैं बैठा हुआ। तो अभी टीटी आएंगे उनसे बात करूँगा, शायद जाके शायद सीट मिलेगी, शायद कोटा में ही ये खाली होगी तो कोटा से ही मुझे सीट मिलेगी, तो तब तक एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं यहीं पर बगल में बैठूँगा तब तक स्टेडियम। फिलहाल तो मैं बैठा हुआ नीचे, यहाँ पर मेरा बैग है और मैं बैठा हुआ यहाँ पर, तो ऐसे ही शायद जाना पड़ेगा कोटा तक। कोटे के बाद ही सीट मिलने की संभावना है, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में, सीट वगैरह तो मिले नहीं था, दरवाजे के बगल में बैठ गया है मैं, पूरा शरीर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तो नींद भी पूरी नहीं हुई। और बाकी अब यहाँ से ओल्ड दिल्ली से रात की है मसूरी एक्सप्रेस, तो अब यहाँ पर मेरा सर भी मिलने आएंगे, उनसे मिलूँगा, देखिए क्या होता है कहाँ पर जाना है। तो दोस्तों मैं न्यू दिल्ली से पुरानी दिल्ली की ओर जा रहा हूँ फिलहाल, यहाँ से मैंने रिक्शा किया है, तो देखिए कितना टाइम लग गया है। तो नीरज सर से मिलना था मुझे, तो कह रही कि मैं खुद आता हूँ तुमसे मिलने करके, पहले वहाँ पर पहुँच जाओ फिर उनको कॉल करता हूँ, फिर उनसे मिलकर ही जाना है क्योंकि उन्होंने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है। तो मध्य प्रदेश में भी उन्होंने मेरे लिए स्टे के लिए कर दिया था, तो नहीं भी कहते हुए भी जाऊँगा, तो अभी सर को कॉल करूँगा तब तक स्टे के। तो दोस्तों मैं बस स्टैंड तक पहुँच चुका हूँ क्योंकि ट्रेन बहुत लेट है, तो मैं बस ही जाऊँगा, तो अभी फिलहाल वो सामान तो वो लॉकर रूम में रखना, बाकी तब तक स्टेडियम बाहर जा रहा हूँ, फिलहाल नाश्ता वगैरह कर लूँ, फिर उसके बाद सर आएंगे उनसे मिलकर, फिर मैं यहाँ से सीधे देहरादून के लिए निकलूँगा, तो तब तक स्टेडियम।
चल जाएगा मेरे लिए, तो अभी ये नाश्ता कर लूँ, उसके बाद फिर सर भी आ रहे हैं, तो मैं उनसे मिलकर मैं सीधे देहरादून के लिए निकल जाऊँगा। तो फाइनली गाइस नीरज सर पहुँचने वाले हैं। तो जिनको नहीं पता नीरज सर कौन है करके, मैं उनसे 2 साल पहले मिला था दिल्ली में, जब जहाँ पर मैं जॉब करता था वहाँ पर वो सीनियर थे मेरे। तो उसके बाद फिर अभी जो ये मेरा आत्मशांति भ्रमण ये ऑल इंडिया टूर चल रहा है, उसमें मैं अभी फ़िलहाल मैं मध्य प्रदेश में गया था, तो मध्य प्रदेश में रुकने के लिए कोई जगह थी नहीं, तो मैंने सर को बोला था, तो सर ने मुझे वहाँ रहने का और हर एक चीज़ का प्रबंध सर ने करवा दिया था। तो अभी सर फिलहाल दिल्ली में है, तो मैं दिल्ली से देहरादून जा ही रहा हूँ, तो सर से भी मिलते हुए और आपसे भी मिलाऊंगा, तो तब तक स्टे ट्यून। तो फाइनली गाइस सर पहुँच चुके हैं, तो ये है हमारे नीरज सर, तो इन्होंने ही मेरे लिए वहाँ रहने का प्रबंध वगैरह हर एक चीज़ करवाया था, तो ये है हमारे नीरज सर। तो दोस्तों ये हमारे नीरज सर, ये बिलोंग करते हैं उत्तराखंड कुमाऊँ एरिया से, और इन्होंने ही जब मैं मध्य प्रदेश में फंस रखा था तो यही भगवान बन के मेरे सामने आए थे, तो इन्होंने ही मेरा रहने का हर एक चीज़ का करवा दिया था, तो मैं सर का शुक्रिया अदा कैसे आता, तो जितना भी मैं थैंक यू बोलूँ वो कम है सर के लिए। तभी सर से मिलूँगा, फिर आप मैं सीधे देहरादून के लिए निकलूँगा, तो तब तक स्टे ट्यून। तो फाइनली गाइस मेरा जिससे टाटा कहने का वक्त आ गया है, ये इस बस में जाऊंगा मैं, तो थोड़ी देर में निकल जाएगी बस, बाकी आप घर जाके ही मिलते हैं आपसे, तब तक स्टे ट्यून। फाइनली गाइस बस निकल चुकी है हमारी देहरादून के लिए, बाकी चल रहे हम मिलते हैं आपसे, थोड़ा रास्ते का दिखाऊंगा, तो तब तक स्टे ट्यून। चुका हूँ देहरादून में, तो बहुत थक गया था सफ़र में, क्योंकि सबसे पहले
मध्य प्रदेश से दिल्ली तक का सफर, मतलब वो दरवाजे के बगल में बैठ कर आना, फिर दिल्ली से फिर बस में आना सफर, फिर रात को पहुंचा मैं, शायद 10:30 के करीब पहुंचा था। तो दोस्त ने छोड़ दिया था तुषार ने घर तक, और उसके बाद फिर मैं रात को मतलब वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि थक गया था बहुत ज़्यादा, मतलब शरीर मतलब टूट गया था, बदन पूरा टूट गया था। तो बाकी होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तो तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।